दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल आपका आईक्यू टेक्निकल में स्वागत करता हूं। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमर द सुपर कार टॉय की। इसका मॉडल हमर कार की तरह इसलिए फ्लिपकार्ट पर हमर कार के नाम से सेल हो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बॉक्स पर या कार पर कहीं पर भी हमर लिखा हुआ नहीं है, बॉक्स पर सिर्फ सुपर कार लिखा हुआ है। बॉक्स के बॉटम पर सारी इन्फॉर्मेशन इस कार के बारे में लिखी हुई है जो कोई पढ़ता नहीं है। फ्रंट पर इसके फीचर्स लिखे हुए जैसे रिवर्स, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट और डोर ओपन होता है इसका। तो चलिए अब कार से भी पर्दा उठा लेते हैं। इस वीडियो में हम इस कार की टेस्टिंग भी करेंगे और क्विक रिव्यू भी। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये कार कैसी लगी और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, फ्लिपकार्ट से इसे 809 रुपये में परचेज किया है। बॉक्स ओपन करते इसके एक्सेसरीज में मिल जाता है रिमोट कंट्रोल, चार्जर और इसकी बैटरीज। रिमोट के बीच के रेड बटन से कार के डोर ओपन होते हैं। राइट वाले बटन से कार को लेफ्ट और राइट टर्न किया जा सकता है और लेफ्ट वाले बटन से कार को रिवर्स और फॉरवर्ड करते हैं। और ये रही मेन यूनिट द सुपर कार। फ्लिपकार्ट पर ये दो कलर्स में अवेलेबल है, रेड और येलो। येलो कलर में हमने इसे मंगाया है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। हमने कार के अंदर बैटरी को प्लेस कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इसे चार्ज करने के लिए बैटरी को कार से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चार्जर का पिन कार में लग जाता है और हम इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में दो बैटरीज लगती हैं जो कार के एक्सेसरीज के साथ नहीं आती है, इसे बाहर से परचेज करना होगा। अब हमारी कार और रिमोट कंट्रोल दोनों ही बैटरी से लैस है, तो चलिए अब कार को ड्राइव करते हैं। कार के डोर्स इस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं और इसकी हेडलाइट्स कार के चलने पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इस नॉब को लेफ्ट या राइट में रखो तो कार 360 डिग्री पर गोल घूमती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और अगर बीच में रखे तो सीधी चलेगी कार। नॉब को बीच में भी रखो तो कार लेफ्ट और राइट होगी लेकिन 360 डिग्री पर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कार को गोल घुमाएगा। अब मैं सर्कल के बीच में आकर शूट कर रहा हूँ कार का क्लोजअप लेने के लिए। अब इसे रात में लाइट्स ऑफ करके चला के देखते हैं कि इसकी हेडलाइट्स कितनी पावरफुल है। कार एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रही है पर इसकी स्पीड भी अच्छी है। चलिए अब इसके प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहले कॉन्स की बात करते हैं। इसके रिमोट का जो मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल, वो लो क्वालिटी का है। बैटरी का कवर उंगलियों से भी बेंड हो रहा है। मिस एंड चिप की ब्रांडिंग बॉक्स पर कहीं पर भी प्रिंट नहीं है या कार पर भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक स्टिकर बॉक्स पर लगा दिया गया है। ऐसा लगता है कि मिस एंड चिप के नाम पर सेलर हमें धोखा दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है। और हाँ, जब इसे रिवर्स और फॉरवर्ड मोड में चलाओ तो यू टर्न के लिए इसे बहुत स्पेस लगती है, कम जगह में ये टर्न नहीं हो पाती है। ये भी एक कॉन हो सकता है। प्रोस की बात करें तो कार का मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है, रिमोट कंट्रोल का रेंज अच्छा है, कार की स्पीड अच्छी है और हेडलाइट्स का पावर तो आपने देख ही लिया है। तो बस यही थी सारी कहानी सुपर कार की। आज की वीडियो में इतना ही। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।